अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू शाइज़ीन ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो गाइज़, आज मैं आप लोगों के लिए ना मारिया बी का बहुत ज़्यादा खूबसूरत ड्रेस लेके आई हूँ, जो कि मेरा तो मोस्ट फेवरेट है ही है। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को भी दिखाऊँ और आप लोगों को भी जो है खूबसूरत खूबसूरत कपड़े दिखाऊँ, और बहुत ही अच्छी प्राइस के ऊपर, बहुत ही सस्ती प्राइस के ऊपर, ताकि आप लोग भी जो है वो इन डिस्काउंट्स को अवेल कर सकें और आप लोग भी चीज़ें ख़रीद सकें। तो मुझे तो बहुत प्यार लगा, क्योंकि आप लोगों को पता है जैसे अब गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों के लिए बिल्कुल अच्छे अच्छे सॉफ्ट सॉफ्ट से हल्की हल्की एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े स्टाइलिश होने चाहिए, प्यारे होने चाहिए। तो इसी वजह से मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत ड्रेस लेके आई हूँ। तो आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और न्यू है तो सब्सक्राइब करें। तो जी चलिए स्टार्ट करते हैं। दिखाने वाली हूँ मारिया बी की जो एम प्रिंट्स वाली कलेक्शन है, उसमें ये वाला जो ड्रेस है बहुत ही बेस्ट है, और इसके कलर वगैरह बहुत प्यारे हैं। इसका दुपट्टा, स्पेशली इसका दुपट्टा बहुत ज़्यादा अच्छा, जैसे कि मैं आप लोगों को बताती हूँ ना कि दुपट्टा जो है ना ड्रेस का बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए, बहुत ही प्यारा होना चाहिए, उसी से जो है प्रॉपर आपकी एक खूबसूरत सी लुक क्रिएट होती है। बहुत ही डिसेंट सा ये ड्रेस है, मतलब शर्ट जो है इसकी प्लेन सी है, लेकिन जो नीचे है ये पूरा एम्ब्रॉयडर्ड है। उसके अलावा दुपट्टा आप लोग देखें कितना फ्रेश वाइब्स दे रहा है, और ये इसकी पूरी लुक है। तो मैं अभी आप लोगों को इसकी पूरी लुक कराती हूँ इस ड्रेस की। और एम प्रिंट्स के अंदर ना कुछ उसके ड्रेसेस बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को इसका पूरा रिव्यू कराती हूँ। आप लोग फैब्रिक देख सकते हैं दुपट्टे का, बहुत ही सॉफ्ट सा फैब्रिक है, बहुत ही खूबसूरत है, एंड आई एम जस्ट लविंग दिस वन। तो मैंने कहा चलो जो मुझे पसंद होती है ना चीज़ें, तो मैं आप लोगों को भी ना उन्हीं ड्रेसेस का शॉपिंग हॉल कराऊंगी। आप लोग भी इस ड्रेस को ख़रीद सकते हैं जस्ट इन 3500। जी हाँ, यू नो कि बेस्ट प्राइस है 3500। आपके साथ जो इसकी वेयरिंग लुक भी शेयर करूंगी, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि पहनने के बाद उस ड्रेस की क्या लुक क्रिएट हो। तो ये ईद कलेक्शन आई थी मारिया बी की, आप लोगों को पता होगा कि बहुत ही जो है ना एंटिसिपेटेड कलेक्शन थी, बड़ी मशहूर हुई है, लोगों ने बड़ा पसंद किया है, और बहुत ही मतलब ईद पर पहना है। और मैंने आप लोगों को जो लास्ट वन उसकी दिखाई थी वो भी बहुत हिट आर्टिकल था। उसके बाद जो है ना अभी मैं आप लोगों को ये वाला दिखा रही हूँ, ये भी बहुत हिट है, मतलब ये भी बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। इसके अंदर जिसका सेकेंड कलर है वो ग्रे कलर है, तो आई थिंक ग्रे से ना ज़्यादा ये प्यारा पिंक वाला है। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को आज उसका कंप्लीट रिव्यू कराती हूँ, पूरी आप लोगों को लुक दिखाऊंगी, उसके बाद पहने में भी लुक दिखाऊंगी। जस्ट इन 3500, मतलब कि प्राइस इज जस्ट नथिंग। तो फिर मुझे तो ये ड्रेस बहुत अच्छा लगा, मैंने अपने लिए ख़रीदा है, मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो चलें जी हम लोग अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, शर्ट का ना आप लोग फैब्रिक चेक करें, इतना कोई प्यारा फैब्रिक है, इतना सॉफ्ट एंड मतलब वेरी सॉफ्ट, और बहुत ही अच्छा जैसे शाइनी सा फैब्रिक होता है, इस तरह का फैब्रिक है, बहुत ही प्यारा सा। अच्छा मैं अभी ना आप लोगों को दुपट्टा भी दिखाती हूँ। दुपट्टा आप लोग देख रहे हैं कि दुपट्टा जो आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को नज़र आ रहा है कि दुपट्टा कितना खूबसूरत है। मैंने आप लोगों से कहा ना कि अगर शर्ट्स आपकी सिंपल हों तो उसका दुपट्टा बहुत खूबसूरत होना चाहिए, देन आपकी जो ड्रेस की लुक है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो चलिए मैं आप लोगों को पूरा खोल के दिखाती हूँ। ओके जी, फैब्रिक को ज़रा आप लोग साइड से देखें, कितना खूबसूरत इसका फैब्रिक नज़र आ रहा है, मतलब कि जैसे कि बहुत ही सॉफ्टी सा फैब्रिक होता है, और उसके ऊपर भी ना थोड़ा सा पेस प्रिंट टाइप है, पेस प्रिंट ऐसा है कि जो कि नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, इस तरह का पेस प्रिंट है। मैं ओपन करती हूँ, इसको ओपन कर लिया, आप लोग देख सकते हैं इसकी शर्ट का लुक। अच्छा, पूरी शर्ट जो है ना वो इसी तरह से, इसकी स्लीव्स भी यही है, बैक भी यही है, फ्रंट भी यही है, तो सब कुछ जो है वो यही है, और जो है ना कलर बहुत ज़्यादा प्यार, पिक्चर में जो कलर है ना रियलिटी में भी वही कलर है, ठीक है। अभी ना थोड़ा सा लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, येलो हो रहा है, तो जो है येलो सा नहीं। तो जी आप लोग देख सकते हैं ये जो कलर है ना इसका अभी यही वाला है, तो इतना प्यारा इसका पिंक कलर है, जैसे कि बेबी पिंक, आपको पता है आजकल बड़ा ही फैशन में है, और सॉफ्ट कलर जो है ना जितने भी आप पहने वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आपकी पर्सनैलिटी जो है ना खिली खिली सी रहती है, और बिल्कुल एक ना इन्हेंस होती है, बहुत ही मतलब नज़र आती है पर्सनैलिटी। और फिर इसके साथ आप लोग अपनी जैसे एसेसरीज़ कर लें, लाइट सी जैसे कि छोटे छोटे से इयररिंग्स कर लें, कोई रिंग्स कर लें, ब्रेसलेट्स कर लें, तो वो फिर और ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। बस आपकी जो तैयारी होती है ना उसके अंदर आपका एक बैग बहुत प्यारा होना चाहिए, और एक आपके शूज़ बहुत प्यारे होने चाहिए। ऊपर से ड्रेस तो आपको पता है कि इंसान हर कोई अपने से बेस्ट ही पहनता है, तो ये जो पूरी लुक है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो बस ड्रेस के साथ जो है एक ड्रेस तो वैसे ही अच्छा होना चाहिए, उसके अलावा बैग एंड शूज़ पर ना आप लोग भी काफ़ी फोकस करें, जिससे जो है ना आपकी ड्रेसिंग, आपकी लुक जो है टोटली चेंज हो जाएगी, और वो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आएगी। तो चलिए मैं आप लोगों को अभी इसके ना बाकी की चीज़ें दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये आ गई इसकी एसेसरीज शर्ट की, ठीक है, जो इसके अंदर इन्होंने दी हुई हैं। तो ये देखें, ये रहा इसका एम्ब्रॉयडर्ड पैच, जो कि बहुत अच्छा और बहुत ही बड़ा है। मैं आप लोगों को रख के दिखाती हूँ, आप लोग इसमें मॉडल पिक्चर के अंदर देखें इस तरह से जो है वो लुक आएगी, ठीक है, जैसे कि इस पर लगा हुआ है ना लॉन्ग सी शर्ट, वैसे ऐसी लॉन्ग स्टिच हुई हुई हो तो क्या ही बात है, बहुत ही परफेक्ट लगेगा। मैं आप लोगों को पूरी इसकी लुक क्रिएट करके दिखाती हूँ।
तो जो गाइस आप लोग देख सकते हैं बॉर्डर जो है ना बहुत ज़्यादा बड़ा एम्ब्रॉयडरी वाला, जितना इसका फैब्रिक की वर्थ है उतनी ही इसके बॉर्डर की वर्थ है, ठीक है आप लोग देख सकते हैं। तो मतलब अगर हम लोग जितना भी बड़ा बॉर्डर बनाना चाहते हैं, दामन बनाना चाहते हैं, तो वो आराम से इसमें से बनेगा। तो इसकी एम्ब्रॉयडरी को चेक करें, इतनी खूबसूरत इसकी एम्ब्रॉयडरी, और ये ड्रेस काफ़ी प्यारा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने भी अपनी राय का ना मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को कैसा लगता है। 3500 के अंदर ये ड्रेस जो है वो तो जस्ट अमेजिंग है। तो आप लोग जो इसको करीब से देख सकते हैं, मैं आप लोगों को थोड़ा सा करीब से दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को ना बिल्कुल क्लियर चीज़ें समझ में आए कि क्या चीज़ें, और मैं आप लोगों की, मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट चीज़ें जो हैं वो दिखाऊं और आप लोगों को रिव्यू कराऊं कि क्या क्या चीज़ें, और फिर उनकी जो स्टिचिंग की लुक के बाद जो वो ड्रेस कितना चेंज हो जाता है, तो वो भी आप लोगों को सारा कुछ दिखाऊँ और बताऊँ। ठीक है, ये आप लोगों ने देखा, ये पूरा जो है दामन पे इस तरह से आएगा, इसलिए कि पूरा दामन पे इस तरह से आएगा। अच्छा, इसके बाद ना इसका नेक का एक पैच भी है जो कि वो भी बहुत क्यूट सा है। ये देखें आप लोग कितना अच्छा है ना, मुझे बड़ा अच्छे लगते हैं ऐसी क्यूट मिनी मिनी सी चीज़ें होती हैं ना, क्योंकि आपको पता है समर में बंदा जो है ना हैवी किस्म के एम्ब्रॉयडर्ड वाले कपड़े नहीं पहन सकता, सारे आपके यूज़लेस पड़े हुए होते हैं। मैंने जो लास्ट टाइम लिए थे मेरे सारे के सारे यूज़लेस पड़े, किसी काम के नहीं है, टोटली बेकार है मेरे लिए, वो कबर्ड्स में पड़े रहते हैं, तो फिर क्या फ़ायदा। ड्रेसेस आपके ऐसे होने चाहिए जो आप पहने, आपके काम आए, ये ना कि रखने पड़ जाएँ। रखने वाले कपड़े जो है ना, मुझे मैंने कहा प्लीज़ अब मुझे रखने वाले कपड़े जो है ना बिल्कुल भी नहीं लेने, ना सिलवाने ना पहनने, ऐसी जो थाट्स हैं ना ये बिल्कुल नहीं आनी चाहिए कि ये पहन लें वो पहने, पहने ना पहने क्या करें, तो इस तरह के जो दिमाग में सवाल है ना ये नहीं आने चाहिए। चलें जी, ये इसकी लुक। अच्छा, मैं आप लोगों का भी इसका ट्राउज़र दिखाती हूँ। कॉटन पैंट्स आ गई इसकी, ठीक है इसको यहाँ पे रख देती हूँ। अभी जब मैं आप लोगों को उसका ब्यूटीफुल सा दुपट्टा दिखाऊंगी ना, आप लोगों ने कहना है कि वाओ जस्ट अमेजिंग, कमाल है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि मुझे तो बड़ा अच्छा लगा एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी उतना ही अच्छा लगेगा। लोग जरा क्लोजअप इस दुपट्टे का लुक चेक करें, इतना कोई क्यूट कलर्स हैं, फैब्रिक है, बहुत ही सॉफ्ट किस्म का दुपट्टा है, और इसकी स्टिचिंग वाली लुक जो है मैंने खानी है, मैंने किसी के लिए स्टिच भी करवाया था तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाती हूँ कि उसके अलावा जो मैंने अपने लिए भी लिया क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगा। समर में ना मैं चाहती हूँ ऐसे ऐसे कलर्स हों जो कि पहन के ना बिल्कुल ये नहीं लगे कि कोई हैवी आपने कुछ पहन लिया है, या बहुत गर्मी लग रही है, अगले को देख के इरिटेशन हो रही है आपको, मतलब वो आपको देखे तो वो भी कहे कि वाओ कि क्या कलेक्शन है इसकी, क्या चॉइस है। तो जस्ट इन 3500 मतलब प्राइस इज जस्ट नथिंग। ओके जी गाइस, अभी मैं आप लोगों को दुपट्टा दिखाने वाली हूँ और इतना खूबसूरत इसका दुपट्टा, आप लोग चेक करें। तो मतलब मैं आप लोगों को जो बता रही हूँ तो आप लोगों ने भी बताना है कि वाकई में ये प्यारा है या नहीं है, मतलब मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। मैंने आप लोगों को करीब से भी दुपट्टे की लुक कराई और अभी दूर से दिखा, शिफॉन का दुपट्टा है, बहुत ही सॉफ्ट प्यारा सा इसका फैब्रिक है। आप लोगों को पता है कि फैब्रिक के ऊपर तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, इनके तो फैब्रिक्स वैसे ही इतने कमाल के होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा ड्रेसेस चलते हैं फैब्रिक ख़राब नहीं होता है। तो आप लोग इसकी दुपट्टे की लुक को चेक करें। अच्छा, मैंने आप लोगों से कहा ना जितना खूबसूरत दुपट्टा होगा ना ड्रेस आपका उतना ज़्यादा प्यारा लगेगा, तो आप लोग भी जो है ना थोड़ा सा फोकस दुपट्टे पे ज़्यादा किया करें, क्योंकि मेरी तरह का प्यारा दुपट्टा होगा तो फिर ड्रेस भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। आपको चेक कर सकते हैं कितनी खूबसूरत है, बहुत ही वाइब्रेंट इसके कलर्स हैं, समर के लिए तो बहुत ही परफेक्ट है, और पहनने के बाद ना ऐसे ड्रेसेस बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। वैसे वो ड्रेसेस जो कि लाइनिंग की प्रिंट्स में होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, आपकी बॉडी जो है बिल्कुल नैरो लगती है। अगर इंसान मोटा है तो उसके लिए जो है हेल्दी वाले जो लोग हैं उनके लिए चाहिए कि वो ऐसे ड्रेसेस पहने जिसमें उनकी बॉडी बिल्कुल स्लिम सी लगती है। तो ये है इस ड्रेस की कंप्लीट लुक, मैंने आप लोगों को सब कुछ दिखाया, बड़ा डिटेल से दिखाया। तो आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो बस फिर क्या करते हैं कि लाइक कर दें वीडियो को, उसके बाद जो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मैंने आप लोगों को अब जो दुपट्टा हटा के भी इसकी लुक दिखा दिए ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए, पता चले किस तरह का ये कितना खूबसूरत ड्रेस है। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।